जगतपुरा के छात्रावास में अधीक्षक से परेशान छात्र पहुंचे कलेक्टर, रास्ते में निकल रहे हैं कीड़े, शिकायत की लंबी लिस्ट। जगतपुरा में स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास में सभी छात्रों ने आज कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर छात्रावास के अधीक्षक और रसोईया पर कार्रवाई कर हटाने की मांग की है। शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास ठकुरपुरा के छात्रों ने बताया कि छात्रावास के अधीक्षक शिवदयाल वर्मा द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया जाता है और हॉस्टल में छात्रों को ठीक प्रकार से खाना मेन्यू अनुसार नहीं दिया जाता है। नाश्ते में कीड़े तक निकल रहे हैं। छात्रावास में बने शौचालय में गंदगी रहती है। पीने के पानी की टंकी बनी हुई है, वो भी साफ नहीं है। छात्रावास में फर्नीचर की व्यवस्था भी नहीं है। पढ़ने के लिए टेबल उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और छात्रावास के पंखे भी खराब पड़े हुए हैं। रूम में लाइट भी नहीं है। छात्रावास का रसोईया काम करने आता है, वह शराब पी कर आता है। जिसकी शिकायत छात्रावास अधीक्षक से की तो अधीक्षक द्वारा गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार कर मारपीट की जाती है। सभी छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक और रसोइयों के विरुद्ध कार्रवाई की और इनको तत्काल हटाए जाने की मांग कलेक्टर से की है। इस संबंध में छात्रावास के अधीक्षक शिवदयाल वर्मा का कहना है कि आज सुबह नाश्ते में पास्ता दिया गया था, जिसमें कीड़े की शिकायत आई थी। वह नाश्ता बदल कर दूसरा नाश्ता बनवा दिया गया था। क्या परेशानी लेके आया? ये हॉस्टल की ये परेशानी है, वहाँ पे सही से खाना नहीं मिलता, खानों में कीड़े करते हैं रोज, और वहाँ पे बच्चों को पर्याप्त बेड नहीं है, रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, और हॉस्टल के कर्मचारी मतलब हॉस्टल के सामान को दो नंबरी में बाहर भेजते हैं खुद के घर पर। अधीक्षक कौन है वहाँ का? श्री शिवदयाल वर्मा। दारू वारू तो नहीं पीते? नहीं, वो नहीं पीते, रसोईया पीते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं। अच्छा। वो दारू पी के गुटखा खा के खाना बनाते हैं। आपने उनसे कहा नहीं ये सब शिकायत करी? और वहाँ पे बिल्कुल मतलब पानी की इतनी बुरी कंडीशन है, उसमें बैक्टीरिया है, पानी में चोई जम रही है, हरे कलर की पूरी टंकी खराब है। लेटरिन एक चालू है पूरे हॉस्टल में, सब ओवर हो गई है और बिल्कुल साफ सफाई नहीं करती लेटरिन। कितने शौचालय, कितनी लेटरिन? बहुत है शौचालय, छह 12 शौचालय, छह में से एक चालू है, नल नहीं है। और ठंड में रोज छत पर नहाने के लिए जाना पड़ता है। लेटरिन बाथरूम बच्चों साफ? ये सारे क्यों? ये तो बच्चों की बोल दी, अब जिनकी तो बाद में लगे ना, फाइनल नहीं लगे ना। सूरज जाटा कीड़ा, मैंने उस वोट क्लास से कर्मचारी से बोला कि भाई कीड़ा गिर गया है, जिस नाश्ता को हटा के दूसरा नाश्ता बना दो, उसने तुरंत दूसरा नाश्ता। बच्चों ने और शिकायतें भी करी है टंकी में तो कीड़े निकल रहे हैं पानी में? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वाटर कूलर लगा है, फिल्टर लगा है, नहीं आई समझ। आपके आप अधीक्षक के साथ इन बच्चों को मैनेज करना आपका कार्य है जी, आप इनको मैनेज क्यों नहीं करते? इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं जी, आप कपड़े नहीं देते, रजाई ओढ़ने में कपड़े नहीं देते, करते नहीं, मतलब रजाई नहीं करते। मेरे को जिला कार्यालय से 25 रजाई मिली है, वो मैंने अभी वितरण किया, अभी ठंड तो है नहीं, और मिल रही है तो और दे देंगे। बच्चों को ये कहना है कि अभी इतनी ठंड तो है नहीं, बच्चों से गालियाँ देना कहाँ उचित? नहीं, मैंने किसी भी बच्चे से गाली दी हो तो आप बता दें। बच्चे कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैंने आज तक रसोई या दारू पी के नहीं, 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 नहीं इस प्रकार की कोई समस्या नहीं। ये बच्चे यहाँ पर जो आए क्या परेशानी लेके आए? आप वो तो आज का जो पास्ता का था ना जी, उसी से बच्चे कुछ आज पास्ता में थोड़ा सा कीड़ा वगैरह आ गया, तो मैंने नाश्ता हटा के दूसरा नाश्ता बनवा दिया। तो इन्होंने आपसे शिकायत करी थी? हाँ, मेरे से बताई थी, तो मैं आ गया तुरंत, तो उसको नाश्ता बनवा दिया मैंने। फिर ये यहाँ कैसे आ गए? आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाए ऐसा लगता है? अब वो कुछ बच्चों की ऐसी मेंटलिटी है, कुछ तो भड़काने के वाले हैं, मिल जाते हैं तो। क्या नाम है सर आपका? शिवदयाल।